नमस्कार, आप देख रहे हैं, मैं हूं हाड़ोती और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों, आज हम आए हैं शहर के औद्योगिक क्षेत्र में और यहां पर हम जानेंगे लोगों के मन की बात। तो आइए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं और जानते हैं कि इनके मन में क्या है। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुरेश जी। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये है, धंधा पानी नहीं है, धंधा पानी में बहुत परेशानी है, रोजी रोटी नहीं चल रहा है, महंगाई इतनी हो रहा है, महंगाई से अपन बहुत परेशान है, घर चलाना बहुत भारी पड़ रहा है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, इससे बहुत परेशानी है सर जी। तो इनका कहना है कि जो इनका काम है, जो इनका धंधा है, वो बहुत मंदा अभी चल रहा है और इस बात से ये परेशान है। यहाँ एक चाय की दुकान पर हम आ गए हैं, तो यहाँ इनसे जानने की हम कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम दीपेश राय। और क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम के माध्यम से? प्रोग्राम के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आज महंगाई बहुत बढ़ रही है, लोगों का काम धंधा सब कम हो रहा है, इनकम नहीं हो रहा जी। इस हिसाब से थोड़ा बहुत हर चीज का महंगाई घटनी चाहिए, बहुत महंगा हो रहा है, क्या बोले, धंधा पानी भी नहीं होता जी। तो इनका ये कहना है, इनका मानना है कि महंगाई जो है वो थोड़ी कम की जानी चाहिए ताकि आम लोग है वो अपना आसानी से गुजर बसर कर सकें। और आगे कुछ और लोगों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं प्रोग्राम में हूँ हाड़ोती के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? हम तो मजदूरी कर रहे हैं जी, मजदूरी हम मजदूरी कर रहे हैं, उनकी रेट भी तो बढ़ाओ कम से कम, हमें रेट भी रेट दे रहे, तुम काय थोड़ी सी काय के सब्जी की का रेट होगी, जब बताओ आटे की क्या रेट होगी, हम क्या दो रो पट्टी में तुम मजदूरी करा रहे, हमारे लिए क्या होगा जी? सब्जी की महंगाई हो गई, सब वाली बात हो गई, हमारे का तेल तेल कितना महंगा होगा बताओ, जहाँ 80 रुपए के आज 200 रुपए किलो होगा तेल जी, क्या खाएंगे गरीब आदमी? नहीं, गरीब आदमी क्या खाएंगे बताओ। आपने कि ये जो इनका लहजा है वो बड़ा नाराजगी भरा है और इनका ये मानना है कि जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इस महंगाई के दौर में ये मजदूर वर्ग के जो लोग हैं ये चाहते हैं कि इनकी मजदूरी बढ़ाई जाए ताकि ये जो गुजर बसर है इनका वो आसानी से हो सके। और कुछ और लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कई सारे लोग खड़े हुए हैं, तो आइए इनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं इनके मन की बात। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे, महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो रही है, काम थोड़ा चलने लगा है, गैस है कि इनकी रेट बढ़ रही है पेट्रोल डीजल की, तो इतना भी हो नहीं पा रहा है ज्यादा, कोरोना से बहुत परेशान होकर थोड़ा अब रूटीन में आया है मामला जी। महंगाई बहुत आसमान चूरी, हर चीज तेल पानी क्या 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 बताऊं मैं आपको, बताओ जी। तो इनका मानना है कि कोरोना के बाद से महंगाई में बहुत इजाफा हुआ है और इनका जो काम है वो भी ठीक से नहीं चल पा रहा है, तो महंगाई की जो समस्या है इसे हल किया जाना बहुत ज़रूरी है। और सर, आप कुछ कहना चाहेंगे प्रोग्राम के माध्यम से? तो मैम, ये कहना चाहूँगा कि आज से 10 साल पहले जो सवारी पैसा देती 10 रुपये, वही आज सवारी आ दे रही 10 रुपये, 10 रुपये से 20 रुपये की तो सवारी की रेट ही नहीं है। हम मांगते 50 सवारी कहते हम तो 20 रुपये देंगे जी, तो फिर हम क्या करें आप बताओ? घर में घर वाले हैं, माँ है, बाप है, सबका खर्चा घर में उठाना पड़ रहा है, किराए घरों में रहते हैं, किराए की गाड़ी चलाते 250 रुपये तो उसको दो, घर का किराया 3000 रुपये दो, 500 रुपये भी दिन भर में नहीं होता तो इंसान करेगा क्या जी? कम से कम महंगाई इतनी बढ़ रही है तो फिर हमारी भी तो रेट बढ़े ना, हमारा तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा किसी चीज़ का, तो आप लोग अगर कर सको हमारे लिए तो कुछ मदद कर दो आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो महंगाई जो है वो एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिसके ऊपर हर कोई बात कर रहा है और हर किसी की यही शिकायत है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जो काम धंधे हैं वो लोगों के ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, इनकम जो है वो नहीं हो पा रही है। और कुछ और लोगों से अब उनके मन की बात जानने की कोशिश करते हैं। खड़े रहते हैं, इसी अपेक्षा में रहते हैं कि कुछ धंधा चले, लेकिन इस टाइम मार्केट बिल्कुल कम चल रहा है, किसी तरह गुजारा बसर हो रहा है और क्या है जी। इसके अलावा तो आगे तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? आम आदमी जो है वो समस्या बहुत सारी है आम आदमी के पास में, और जो पहली समस्या और सबसे मुख्य समस्या निकल कर आ रही है वो यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और लोगों के पास आमदनी के माध्यम कम है। और अब कुछ और लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, अब एक चाय की थड़ी पर हम आ गए हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं और जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई कमर तोड़ हो रही है, महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है जी। केंद्र सरकार का बिल्कुल धूल मूल रवैया है, दंगे फसाद रुक नहीं रहे उनसे जी। हर कोई उनका पार्टी का नेता, हर कोई हर किसी धर्म के प्रति आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनके पैगंबरों को और उनको गालियां दे रहे हैं जिससे माहौल बिगड़ रहा है। एक आदमी की वजह से अगर सारे देश में ऐसा माहौल हो रहा है तो उनको कुछ स्टेप उठाना चाहिए जी। और महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए, महंगाई पर कंट्रोल का काम केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है,
बस इतना ही कहना। तो इनका ये मानना है कि जो राज्य सरकार है वो बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार में जो काम हो रहा है उससे ये थोड़ा सा नाराज। और कुछ और लोगों से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं प्रोग्राम में और जानते हैं उनके मन की बात। आपका नाम? स्वाति बेले। तो स्वाति जी क्या कहना चाहेंगी प्रोग्राम में हूँ हड़ौती के जरिए? हाँ बस कहीं नहीं, यहाँ पे तो जैसा हम लोग सब अपना अपना होम टाउन छोड़ के रहते हैं जी, तो बिल्कुल हमको लगता है कि आके सब लोग सपोर्टिव है, सब लोग अपना सपोर्ट करते हैं हर चीज में, सब्जी वाले से लेके ऑटो वाले तक सब लोग। कोटा हमें बहुत अच्छा लगा जी। हम दो बार आ चुके हैं यहाँ पे, जैसे हम बड़े बेटे को भी लेके आए थे और अभी भी आए, तो हमको ये सिटी अच्छी लगती है। हमें लगता है एजुकेशन हब में सब लोगों ने पढ़ने के लिए आना चाहिए जी। बिल्कुल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोटा एजुकेशन हब है और अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग आते हैं, तो ये भी बाहर से आए हुए हैं इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए। और कोटा के बारे में इनका ये मानना है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं। और अब हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मन में क्या बात है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं इस टाइम पे कहना चाहता हूँ कि इस टाइम पे जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन युवा जितना इस टाइम पे बेरोजगार है, एजुकेशन तो इतना हब हो चुका है, अपना कोटा तो इतना हब है एजुकेशन सिटी में, लेकिन रोजगार में सबसे पीछे पीछे पड़ता जा रहा है, यानी रोजगार की उपलब्धता ना के बराबर होती जा रही है। तो मैं गवर्नमेंट से यही, अपनी राजस्थान सरकार से भी ये अच्छी मांग करता हूँ कि जितनी अवेलेबिलिटी रोजगार के प्रति गवर्नमेंट बढ़े तो वो बहुत बढ़िया रहेगा अपने राजस्थान के लिए भी, अपने भारत के लिए भी। ये आपने सुनी एक युवा के मन की आवाज, जिनका ये कहना है कि युवाओं को शिक्षा अच्छी मिलती है लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो इनकी गुजारिश है सरकार से कि युवाओं के लिए रोजगार के साधन जो है वो उपलब्ध करवाए जाए, नए रोजगार सृजित किए जाए। और आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनके मन की बात। और यहाँ पर कुछ पैसेंजर अब हमारे साथ है, तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अनामिका भदौरिया। जी अनामिका जी क्या कहना चाहेंगी? बस कोटा पढ़ाई के लिए तो बहुत अच्छा है, पर यहाँ की जो सड़कें हैं पता नहीं सरकार कब ठीक करवाएगी जी। बस यहाँ की सड़कें ठीक होनी चाहिए और स्टेशन को भी थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहिए जी। बस यही कहना है, बस सड़कें ठीक हो जाए, यहाँ की व्यवस्था अच्छी हो जाए, ये तो कोटा नंबर वन है हर एक चीज में जी। बस सड़कें और बस और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सड़कें अच्छी हो जाए, यहाँ की व्यवस्था सुधर जाए बस जी, जगह जगह ट्रैफिक ना लगे। तो ये आपने देखा कि बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनकी ये शिकायत है, कोटा शहर में जो सड़कें हैं उन्हें सुधारा जाए और व्यवस्था को थोड़ा सा और अच्छा किया जाए। आप कुछ कहना चाहेंगी मैम? नहीं बस जो बिटिया ने बोला वही है आजकल के बच्चों का है, जो बच्चे बोलते हैं आजकल के जी, ये है, हम भी यही चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था थोड़ी ठीक हो। जो यहाँ पे जाते हैं अपन, अपने इधर सामने साइड जाते हैं उधर कितनी गंदगी, कूड़ा कचरा कितना है, आने जाने वाले यात्रियों को भी परेशानी होती है, गाड़ी घोड़े स्लिप करते हैं गिरते हैं। आप थोड़ी सी व्यवस्था देख लीजिए, और क्या हमारी है, आम जनता ये कह सकती है जी। तो ये है आम जनता के मन की आवाज़, जो चाहती है कि शहर में जो है सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से हो और जो सड़कें हैं उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। आपका नाम? दामोदर शर्मा। क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम के माध्यम से? यही है कहना चाहते हैं कोई यातायात के लिए कि जहाँ पे अभी पूरे कोटा में काम चल रहा है, अब काम चल रहा है तो ये जो यहाँ पे ट्रैफिक वाले हैं मर्जी पड़े जाए पे खड़े होकर आदमी का चालान करते हैं, ये परेशान होती है जनता। और क्या जी का ये कहना है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो पूरी तरह से सही नहीं है और उस पर जो चालान लोगों के काटे जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि इस स्थिति में थोड़ा सा बदलाव किया जाए, पहले सड़कें हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए और उसके बाद इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाए। और आगे हम कुछ और लोगों से जुड़ते हैं।